So good evening all of you. Today we are going to discuss question number 3, practical questions, page number 162 of our textbook. What it says, Vasu and Viraj. पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन समझ लो. वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली. बैलेंस शीट दिया है. बाय दिस टाइम आई एम वेरी श्योर ईच वन ऑफ यू नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन. सो वी आर गिवन सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स विल कम इन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड. जनरल रिजर्व will come in partners capital account credit side, distributed among old partners in their old ratio. Capitals partners capital account credit side. Cash at bank दिया है तो हम लोग bank account बनाएंगे और cash at bank उसका debit balance to balance brought forward आएगा. Thereafter sundry debtors stock investment plant building ये सब बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लोग लिखेंगे. दे एडमिट हरी इन टू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2019 फॉर ऑन द टर्म्स बीइंग दैट ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. बोलो अगर हरी ने कैपिटल लाया तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे. यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरीज कैपिटल अकाउंट. If you all agree to my words, you can give me a thumbs up. I can understand that you have understood it. Yeah, thank you. Value of goodwill of the firm is fixed at the average profits for the last 3 years. Sirf average profits bola hai. Kuch number of years of purchase vagere kuch nahi. So goodwill is equal to average profits. 3 saal ka profit diya hai hum logo ko. I want all of you to start the calculation. Just hold on, हम लोग उसमें आते हैं. मैं आपसे करवाऊंगा. हरी ध्यान देना. हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश. इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो क्योंकि हरी गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड. When goodwill account is raised, how many journal entries will be passed? When goodwill account is raised, how many journal entry will be passed? Siddhi, wrong hai beta. There will be only one journal entry. And you know what? Let me tell you a very superb secret. आज सुबह मैं सोच रहा था तो मेरे को ये secret ध्यान में आया. हम लोग ओलंपिक में क्या चाहते हैं दोस्तों? What do we expect at Olympic? Yes, we expect gold. Gold को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटे है ना, जैसा मराठी में समास होता था, तो हम लोग इसमें दो चीज ढूंढ सकते हैं. गोल्ड में आता है जी ओ, गोल्ड का जी ओ, और ओल्ड तो उधर ही है. तो अगर आप देखोगे गो ओल्ड, क्या सर? गो स्टैंड फॉर गुडविल. गुडविल ऑलवेज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. जर्नल एंट्री तैयार है गोल्ड में. गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाद में मेरे को थैंक यू बोल देना. सर क्या क्या सिखाते हो आप? अरे सोचो ना यार, अपना गोल्ड ही तो है. गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इससे अच्छा कोई बीके सिखाएगा क्या? हाँ मजा लू. सर गुडविल म्हणजे गोल्ड. गुडविल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है हम लोगों को एट 1500. सो दैट इज न्यू आरडीडी. Closing stock is valued at 22,500. Plant and machinery, a building is to be depreciated by 5%. सब अपने को आता है ये सब चीज. चलो मैं काम चालू करता हूँ प्रोफॉर्मा बनाने का, क्योंकि गुडविल का नया केस है. आप
गुडविल का कैलकुलेशन रफ में करो, आप लोग गुडविल का कैलकुलेशन रफ में करो, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। एकदम सिंपल है वैसे, वो भी एवरेज निकालना है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। बट करो तुम लोग खुद से, आई वॉन्ट यू टू डू दैट कैलकुलेशन। ओके यस, एंटायर फॉर्म डेफिनेटली। सुपर वंडरफुल। गुडविल रेज करने का तो मैंने शॉर्टकट बता दिया है आप लोगों को, बस 67,500 का अपन जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 162 ऑफ टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। टीचर्स आप लोग भी बना सकते हो अभी, संस्कृत भी रॉन्ग है, प्रोफॉर्मा बना लो सब लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, नो वरीज। मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं, आप लोग को सिखाया है पेज को हाफ में फोल्ड करने का, आधा पेज बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या कैलकुलेट किया संतोषी राम, तेरी तबीयत खराब है, ध्यान से देख। 540 कहाँ से आया तुझे, तीनों राउंड फिगर्स है बेटा। 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय 3। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा हो गया बोल दिया, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं फिर कुछ आगे बोला ही नहीं। आधा पेज वासु विराज एंड थर्ड पार्टनर हरी, वासु विराज एंड हरी। We have Messrs. Vasu, Viraj and Hari balance sheet as on 1st April 2019. Please try to come on time, before time. 6:30 का लेक्चर होता है रसिका, this is not good habit. मेरा पूरा क्वेश्चन सिखा के हो गया है, प्लीज इंश्योर दैट कम ऑन टाइम। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, सी इट डिस्टर्ब्स मी टोटली। देखो बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर करना पड़ता है। दीपिका मंडल प्लीज कम ऑन टाइम, सी सो मेनी पीपल आर कमिंग लेट टू द क्लास। इट्स ए नेटवर्क इशू, आई एम वेरी सॉरी, बट अदरवाइज अगर आप लेट कर रहे हो किसी और कारण के वजह से, प्लीज एंश्योर यू रीच द क्लास बिफोर टाइम। वर्किंग नोट्स में आएगा बैंक अकाउंट। तो लोग लेट आए हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन लास्ट में जो दिया है वो पेज नंबर 162 क्वेश्चन नंबर 3।
बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। आर यू ऑल सेट? आपको इसके अलावा तीसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज दैट? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टेप वन एवरेज प्रॉफिट एंड स्टेप टू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। चलो सबका ध्यान इधर दोस्तों, जो 15 मिनट टाइम दो, I will complete it between 7 o'clock. Then you can continue further. Are you all there with me? Stop writing now. Yes. So profit and loss adjustment में two new RDD, less old RDD, partners capital account में अगर हम लोग देखे तो हम लोग लिखते हैं credit side में buy balance brought forward. बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, लिखा तो कैपिटल्स लाइबिलिटीज में चलेगा, बैंक अकाउंट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, सो आई स्टार्ट विद बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, लाइबिलिटीज में ही लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन लिखते वक्त जगह छोटे लिखना, कैपिटल लिखना है अपने को। अमाउंट इज रुपीज 45,000। कितना अमाउंट आना चाहिए बाय जनरल रिजर्व 30,000 को अगर 3:2 में अगर हमने डिवाइड किया तो वो कितना आना चाहिए? परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। इट शुड बी 18,000 एंड 12,000. It should be 18,000 and 12,000. Capital दिया है 1,08,000. Basu and Viraj 72,000. Hari के column में dash. Cash at bank. Cash that is bank account में two balance brought forward 750. अभी revaluations में तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ तो चलेगा कह रहे? Sundry debtors में से new RDD less करने का, stock में depreciation या revaluation का loss आएगा, plant में loss आएगा, building में loss आएगा, सब loss है यहाँ पर। ऐसा कोई है जिसको revaluation नहीं आता है तो उन्होंने बोलो। It is easy and now I think you should be able to do that. Correct? Thank you so much. फिर capital लाया है नया partner ने। Capital कितना लाया उसने? 60,000. So bank account debited to Hari's capital account. 60,000. पार्टनर्स कैपिटल में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 60,000। माय डियर फ्रेंड्स, फिर बोला है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। अब भी शॉर्टकट बताया, एक शब्द में बोलो गुडविल रेज्ड का जर्नल एंट्री क्या याद रखोगे? अत्ता सीखा बोला थोड़ा बेड़ा बोलते गोल्ड। यस, गोल्ड विल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लोग लेट ज्वाइन हुए, मेरा वीडियो देख लेना, इन लोग गोल्ड क्यों बोल रहे मालूम पड़ जाएगा। सो वी हैव टू पार्टनर्स वासु एंड विराज। फ्रेंड्स, गुडविल का वैल्यू तुमने कैलकुलेट किया है 67,500, बरोबर है ना? 67,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 67,500 को 3:2 में डिवाइड करो, अब नंदिनी 40,500 एंड 27,000।
Somebody can confirm, it would be great. Yes, thank you, Sneha. So 67,500 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय गुडविल अकाउंट, 40,500 एंड 27,000। फ्रेंड बाकी सब तो रिवैल्यूएशन आप लोगों ने कर लिया होगा। सारा पोस्टिंग होने के बाद पहला रिवैल्यूएशन क्लोज करोगे, लॉस आएगा, 3:2 में डिवाइड करोगे, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप एवरीबडी नोज टिल हियर। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होके उसका बैलेंस आप लाइबिलिटीज में लिखोगे, है ना? देन हम लोग आएंगे बैंक अकाउंट में, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो 60,750 विल से बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। यही 60,750। बोलो दोस्तों कहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड? वेयर विल यू राइट? यू विल राइट इट ऑन न्यू बैलेंस शीट, एसेट साइड, बैंक बैलेंस, वर्किंग नोट नंबर 1। थाउजेंड 750, यहां तक सब सेम था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। अब फर्क पड़ेगा, देखो ध्यान दो। गुडविल अकाउंट आज तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वेश्चन में टैली होते थे, इसलिए मैंने वहां पर एक नोट लिखा के रखा था गुडविल का चार्ट के उधर। व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज देयर विल बी ए बैलेंस इन गुडविल अकाउंट। जब गुडविल रेज होता है तो गुडविल अकाउंट में बैलेंस आएगा 67,500। और इसको बोलो कहाँ लिखोगे लिखते वक्त वापस, दिस विल बी रिटर्न ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड 67,500। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आप लिखोगे गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, 67,500। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज द ओनली थिंग इज गुडविल अकाउंट विल नॉट बी टैली बैंक अकाउंट के बाद, आपको गुडविल अकाउंट भी बैलेंस निकालना पड़ेगा और दोनों को एज यूजुअल एसेट्स में लिखना पड़ेगा। बोलो सब कुछ समझा क्या? उसके बाद बैलेंस शीट टोटल करो, काम हो जाएगा। तो आंसर का शुरुआत कहाँ से करोगे? यू विल फर्स्ट राइट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड देन यू विल गो फॉर अवर रेगुलर पोस्टिंग, जैसा मैंने आपको बताया। अभी देखो एक्सप्लेन करने को ऑलमोस्ट मैंने रिवैल्यूएशंस और टोटलिंग छोड़कर बाकी सारा चीज कर लिया है, अभी आपको आगे का काम करना है। बहुत सारे जन हाफ एन आवर को छोड़कर दे डू इट फॉर नेक्स्ट डे। ओके, इफ देयर इज अ नेटवर्क इश्यू आई कैन अंडरस्टैंड, अदरवाइज प्लीज ट्राई टू डू इट नाउ।